So in the last video, we learned about the HTML headings and how you can use it on your HTML document and what are the options and what are the different type of headings that are available for a particular HTML document or in the HTML language. So basically, we have six type of HTML headings, H1 to H6. I have mentioned in a previous video. If you didn't watch it, please make sure to watch it. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पैराग्राफ के बारे में ना. उससे पहले पैराग्राफ की बात करूँ, मैंने आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली मेंशन करी थी पिछली वीडियो में कि प्लीज़ CSS को भूल जाना. बिल्कुल मत सोचना कि CSS जैसी कोई चीज़ है. हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, हम कैसे बिना CSS को यूज़ करें HTML की हेल्प से कॉन्टेंट को डिफ्रेंशिएट कर सके, यूज़र डिफ्रेंशिएट कर सके, तो उसको इतना रीडेबल फॉर्म में बना सके ताकि यूज़र भी पढ़ सके, ब्राउज़र भी पढ़ सके, क्रॉलर भी पढ़ सके. तीन लोगों के लिए हमें कॉन्टेंट लिखना है और HTML मार्कअप लैंग्वेज हमें इस चीज़ में हेल्प करती है. नाउ एक सवाल आता है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे कि HTML पैराग्राफ क्या है, HTML पैराग्राफ टैग्स कैसे लिखने हैं या फिर किस तरीके से पैराग्राफ लिखने हैं या फिर इसका यूज़ क्या है और किस तरीके से ये हमें हेल्प करता है. मैंने आपको पहले बताया कि टैग सिर्फ ना सिर्फ यूज़र को हेल्प करता है, ये हेल्प करता है आपके ब्राउज़र को और आपके क्रॉलर को. तो आप एक ही चीज़ से आप तीनों लोगों को खुश कर रहे हो, ये खुद में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है. आपको इस चीज़ के लिए HTML बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आसान बना देती है हमारे पूरे कंटेंट को स्ट्रक्चर करना. नाउ देखते हैं कि जो HTML पैराग्राफ है उसकी ज़रूरत पड़ी क्यों या फिर हम बिना टैग के भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा अगर HTML में आप कोई भी कंटेंट लिखते हो तो वो वैसे भी दिखता है. हमें टैग लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? फॉर एग्जांपल, मैं हेडिंग के लिए टैग लिख सकता था लेकिन मुझे पैराग्राफ के लिए टैग लिखने की क्या ज़रूरत है? इसके दो नुकसान है. पहली चीज़, ब्राउज़र को यही नहीं पता. अगर आप यहाँ पे मेरे कोड में देखोगे तो मेरे पास दो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ मेरे पास ये है एंड दूसरा पैराग्राफ मेरे पास यही है. लेकिन अगर आप मेरा प्रीव्यू देखोगे तो ब्राउज़र को यही नहीं पता कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ शुरू कहाँ खत्म हो रहा है, और उसे ये नहीं पता कि ये एक ही पैराग्राफ है या दो अलग अलग पैराग्राफ है. यानी कि मेरा ब्राउज़र मेरे कंटेंट को पढ़ नहीं पा रहा है, वो उसे स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा है. और अगर मेरा ब्राउज़र नहीं पढ़ पा रहा है तो मैं ये गारंटी है कि क्रॉलर भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि ब्राउज़र क्रॉलर एक ही तरीके से काम करते हैं. नाउ मुझे ब्राउज़र को बताने की दोनों अलग अलग पैराग्राफ हैं और ये दोनों पैराग्राफ के बीच में ज़रा सा स्पेस होना चाहिए और जो नया पैराग्राफ है वो नई लाइन से शुरू होना चाहिए. इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ के टैग. पैराग्राफ का टैग बहुत ज़्यादा सिंपल है. हमारा टैग का नाम है पी, तो बेसिकली हम पी यूज़ करेंगे ओपनिंग टैग. और जहाँ मैं पैराग्राफ ख़त्म करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारी HTML वो मार्कअप लैंग्वेज है, हमें बताना पड़ता है कि कहाँ से शुरू है कहाँ से ख़त्म है. जैसे किसी भी कॉपी में या भी किसी भी डॉक्यूमेंट में आपने कभी हाइलाइटर यूज़ करा है? जिस हाइलाइटर में हम जो येलो कलर का होता था या फिर किसी रैंडम कलर का हम बुक्स में हाईलाइट करते थे कि ये पर्टिकुलर लाइन है, तो हम उसे ड्रॉ करते थे यहाँ से शुरू लेके यहाँ से ख़त्म. सेम हमें मार्कअप में करना होता है. बेसिकली हम मार्किंग करते हैं यहाँ से यहाँ तक. मैं मार्क कर रहा हूँ पी टैग से, ओपनिंग टैग से. मैंने पी मार्क करा है ओपनिंग टैग. मैं बता रहा हूँ यहाँ से लेके ये मेरा क्लोजिंग टैग है, यहाँ तक ये मेरा एक पैराग्राफ है और ये एक मार्क है. मैंने मार्क मार दिया, मेरा ब्राउज़र भी पढ़ पा रहा है और मेरा क्रॉलर भी पढ़ पाएगा. सेम मैं दूसरी चीज़ के दूसरे पैराग्राफ के लिए भी करूँगा. सिर्फ इतना करने से मेरा पूरा जो कोड है वो ब्राउज़र रीडेबल भी हो चुका है, ह्यूमन रीडेबल भी हो चुका है, और इसे क्रॉलर और जो सर्च इंजन बॉट्स हैं वो भी पढ़ पाएंगे. ये बहुत ही ज़्यादा आसान है. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लीव द फीडबैक्स, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लिंक्स एंड द बटन्स, हाउ टू पुट लिंक्स, कैसे लिंक ऐड करें, कैसे बटन ऐड करें एंड ऑल दीज थिंग्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.